दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मौर्य जी न्यूज चैनल। बात करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस ये बताया जाने लगा बहुत गंभीरता से कि इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस ही इसके उपाय हैं कोरोना से बचने के। मार्च से 24 मार्च से लॉकडाउन की बड़ी घोषणा की गई और इससे पहले भी लॉकडाउन से पहले भी जनवरी में ही कोरोना वायरस भारत में आ चुका था और इसे गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया। गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया इसका कारण ये तीव्र गति से आज ही भारत में फैल रहा है और लॉकडाउन को 24 मार्च के बाद बहुत कड़ाई के साथ पूरे भारत में ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री ने कि बहुत कड़ाई के साथ इसे लागू करना है और इस भयंकर बीमारी को काबू में लेना है। बिना सोचे समझे अचानक लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने आदेश दिया, लग गया, किसी को मौका कहीं आने जाने का नहीं मिला और लॉकडाउन को बहुत गंभीरता से लेने के चलते हुआ क्या, लोग जहां के तहां फंस गए और वहां फंसे हुए लोगों को यह बताया गया कि आप जहां पर फंसे हैं वहीं पर लॉकडाउन का निर्वहन करें, आपको राशन, पानी, खाना पीना, रहने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आज उस गलती की वजह से जो समय रहते लॉकडाउन ना लिया गया, जनवरी में केस आए, जनवरी बीता, फरवरी बीता और मार्च में ये एक्शन लिया गया, इससे हुआ क्या, लोग जहां फंसे फंस गए, काम धंधा बंद हो गया, लोग भूखों मरने लगे, स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई। इतनी गड़बड़ हो गई कि आज उसका खामियाजा यह है कि लोग, बहुत सारे लोग भूखों मर गए। आज सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को ये कहना पड़ा कि हम सभी मजदूरों को अपने घर पहुंचाएंगे और जिस तरह से पहुंचा रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं। लोग मरे, जो मरे वो तो मरे ही और आज जो कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंस की जो बात हो रही थी पहले बहुत गंभीरता की, आज इतना सोशल डिस्टेंस खराब स्तर में चला गया है, लॉकडाउन खराब स्तर में चला गया है, न लॉकडाउन रह गया न सोशल डिस्टेंस रह गया, लोग एक दूसरे से बराबर मिल रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है जो प्रवासी आज ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रवासी हैं आज लौट रहे हैं, शासन प्रशासन इतना लूज है, सोशल डिस्टेंस इतना लूज है और लॉकडाउन में इतनी ढीली है, ढिलाई दे दी गई है कि आज जो आंकड़ा अनुमान लगाने वाले वैज्ञानिक लोगों ने अनुमान लगाया है, बता दिया किसी अगस्त तक 1 करोड़ मरीज कोरोना वायरस के भारत में हो जाएंगे। क्योंकि नहीं दोस्तों, हम केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए कहना चाहते हैं इतना हो जाएगा इसलिए कि अब सरकार के पास ना खाने के लिए कुछ है, खिलाने के लिए कुछ है, ना सहायता करने के लिए कुछ है। वो सब जनता के ऊपर थोप रही है। अगर आपको घर जाना है, फंसे हुए हैं तो आपको किराए की व्यवस्था कीजिए, मास्क स्वयं खरीदिए, सैनिटाइजर स्वयं खरीदिए, सारी व्यवस्थाएं आप कीजिए और फंड केयर, जो कोरोना वायरस के लिए फंड केयर बना हुआ है उसमें दान दीजिए। उस पैसे का क्या होगा ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है।
तो दोस्तों ये वायरस इतना तेज आगे फैलेगा और फैल रहा है, इस बात से लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो प्रवासी यहां पर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, वो घर पर ही क्वारंटाइन शासन प्रशासन और प्रधान करवा रहे हैं जो गांव में आ रहे हैं लोग बाहर से। ये बहुत दुखद है। अगर इसी प्रकार होता रहा, अगर इस पर अंकुश न लगाया गया तो आने वाले समय में कोरोना वायरस बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा, जिसका कल्पना करना मुश्किल है। तो दोस्तों हम चाहेंगे आपकी क्या राय है, क्या आप मानते हैं सरकार से कमियां हुई हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या कमियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं? अगर हुई हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं कौन कौन सी कमियां हुई हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, थोड़ा सा जानकारी पाने के लिए इस प्रकार को वीडियो बनाना पड़ा। आपसे चाहेंगे अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम मिलती रहे और